नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द जीबी शो। यूट्यूब समाचार के एक फ्रेश और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। और ज्यादा ना वेट करते हुए करते हैं शुरू। जो सबसे पहला अपडेट आता है वो है Amazon Alexa की तरफ से। Amazon Alexa में एक नया अपडेट आया है, यानी कि फॉलो अप अपडेट। पहले क्या होता था, आप कोई भी कमांड Amazon Alexa को, जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आता है Amazon Alexa छोटा सा, आप उसको ऑर्डर देते थे, वो कमांड लेता था और उसके बाद वो काम कर देता था। बट अब क्या होगा, वो फॉलो अप का वेट करेगा। आप उसको कोई कमांड देंगे और उसके 5 सेकंड बाद भी वो सुनता रहेगा क्या आप दूसरा कमांड देने वाले हैं ओके एलेक्सा या एलेक्सा बोले बिना। यानी कि आप कमांड देते हैं एलेक्सा प्लीज स्विच ऑफ द फैन, वहां पंखा बंद हो जाता है, उसके बाद भी 5 सेकंड वो ऑन रहेगा। और फिर अगर आप बोलेंगे प्लीज स्विच ऑन द फैन, तो वो ऑन भी कर देगा। ऐसा नहीं कि आपको दोबारा एलेक्सा बोलना पड़ेगा। तो एक नया अपडेट आया कि वहां पर फॉलोअप के लिए आपका वेट करेगी एलेक्सा। ये नया अपडेट दिया, देखना है हमें क्या अच्छे फीचर दे पाती क्या नहीं, और डेवलपर्स यहां पर क्या क्या नए अपडेट कर पाते हैं क्या नहीं। बट अच्छा फीचर लग रहा है सुनकर कि 5 सेकंड तक आपकी बातें और सुनती रहेगी एलेक्सा, ताकि वो अच्छे से अच्छा आपका काम कर सके। जो अगला अपडेट आता है वो है गूगल की तरफ से। गूगल क्रोम में अभी एक नया एक्सटेंशन, नया अपडेट आ रहा है कि जो भी पासवर्ड्स उसमें सेव्ड है, यानी कि जो पासवर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं गूगल में, या भले आपके ईमेल आईडी के हो, भले आपके बैंक के हो, या कहीं भी आप जहां लॉगिन पासवर्ड डालते हैं जो ऑलरेडी सेव्ड हो जाते हैं, अब आप उन सारे पासवर्ड्स को एक्सपोर्ट कर पाएंगे सीएसवी फाइल में। यानी कि पहले क्या होता था, आप भूल जाते थे, आपको पासवर्ड सर्च करना पड़ता था। अब अगर आपने कोई पासवर्ड सेव किया हुआ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आप सारे के सारे पासवर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वो आपको बताएगा इस वेबसाइट पे ये यूजर नेम है और ये इसका पासवर्ड है। तो आपको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं, कभी भी लैपटॉप फॉर्मेट होने वाला है पहले उसका बैकअप लेके रख लीजिए और सारे के सारे पासवर्ड एज इट इज आपके पास रहेंगे। जो अगला अपडेट है वो है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi के दो फोन अभी लॉन्च हुए थे, अभी तक प्रॉपर मार्केट में आए नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे नहीं। फोन का नाम है Note 5 और Note 5 Pro। बट यहां पर जो अपडेट आया है वो ये है कि Redmi 5 भी अब लॉन्च होने वाला है, 14 मार्च से आपको मिलने लगेगा Amazon पे। बुकिंग आप जाके करवा सकते हैं। यहां पर Xiaomi फोन पे फोन दिए जा रहा है। चाइना में बहुत पहले ये फोन लॉन्च हो चुका है, Redmi 5 दो वेरिएंट्स में मिलता है, 2GB 3GB। इंडिया में क्या मिलेगा, कीमत इसी करीब 10,000 तक रहेगी, 8,000 और 10,000 दो वेरिएंट जो आएंगे। इसमें जो टीजर आ रहा है उसमें बता रही है कॉम्पैक्ट है और पावरफुल है, ऐसा कुछ टीजर है, आपको टीजर में दिखाऊंगा डिस्प्ले पे। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो 14 मार्च तक का वेट कर सकते हैं, उसके बाद ये फोन आप आसानी से Amazon से खरीद सकते हैं। जो अगली खबर है वो है Samsung की तरफ से। आप जानते हैं कि Vivo का VX21 एक फोन है जिसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आने वाला है। तो यहां पर सारी कंपनीज काम कर रही हैं कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लेके आए ताकि उनके फोन ज्यादा बिके। बट यहां पर Samsung Note जो आने वाला है उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं होगा। Samsung Note 9S9 आने में अभी टाइम है, बट कंपनी ने यहां पर कंफर्म कर दिया कि उसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट अभी भी नहीं होगा। आपको पीछे ही मिलेगा, पीछे ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। तो यहां पर हमें देखना है कि Note S9 में आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, बट यह बात कंफर्म हो गई है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको उसमें नहीं मिलेगा। जो अगली खबर आ रही है वो भी है Xiaomi की तरफ से। Xiaomi के कुछ रूमर्स आए हुए थे पहले Mi Mix 2S के, जहां पर पता लग रहा था कि जो उसका कैमरा है फ्रंट साइड में छोटा सा होगा, जहां स्क्रीन हल्की सी कटेगी और वो कैमरा होगा यहां पर। बट जो टीजर लॉन्च हुआ है वहां पर एक फोटो उन्होंने दिखाई, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि वहां पर कोई भी कैमरा आगे आने वाला है या कुछ भी, हल्का सा स्क्रीन में कट है जैसा आईफोन X में था जो ऊपर, बट इसमें बहुत हल्का सा था। बट यहां पर टीजर में कुछ और ही दिख रहा है। जो रूमर की वीडियो लीक हुई है जहां पर एक प्रॉपर वीडियो है जिसमें Xiaomi 2S को कोई चला रहा है, Mi Mix 2S को कोई चला रहा है, उसमें हल्का सा कैमरा दिख रहा है। अब यहां पर टीजर तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि उसमें कॉपीराइट की स्ट्राइक आ जाएगी, बट मैं आपको ये जो टीजर लॉन्च हुआ है मी का, जो फोटो आई है वो जरूर आपको दिखाता हूं, आप देखिए। तो यहां पर ये अपडेट तक कब लॉन्च होना है इसकी अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, बट मार्च या अप्रैल तक ये फोन भी बिकने लग जाएगा। जो अगली खबर है वो है Vivo की तरफ से। Vivo का जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट था, मतलब डिस्प्ले में जो आपका फिंगरप्रिंट रहेगा, Vivo X21 जो फोन था वो 19 मार्च को हो जाएगा लॉन्च चाइना में। तो चाइना में आने के बाद उसके रिव्यूज आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद हमें देखना है इंडिया में कब आता है कब नहीं। फोन बहुत ही शानदार है, पहली ऐसी कंपनी है जो डिस्प्ले के अंदर फिंगरप्रिंट लेके आ रही है। बहुत सारी वीडियोस इसकी आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगी कि इस तरह से काम करता है उस तरह से काम करता है। सभी को उसका इंतजार है, सभी को देखना है कि नई टेक्नोलॉजी क्या है क्या नहीं है। बट हम सबको रहेगा इंडिया में इंतजार कि जब जैसे इंडिया में आती है ज्यादा से ज्यादा लोगों से खरीदेंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं करूंगा समाचार समाप्त। में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए समाचार के बारे में पता लगा सकें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।